ओम श्री साईनाथाय नमः। आपने बहुत से लोग ऐसे बोलते हुए सुने होंगे जिनको अपनी वाणी पर बहुत विश्वास होता है कि मैंने अगर किसी को गलत बोल दिया तो उसका सही नहीं हो सकता, उसका गलत ही होगा, है ना। वो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने जो कह दिया बस वो पत्थर की लकीर है, और अगर वो किसी को अच्छा कहेंगे तो उसका अच्छा होगा, वो किसी को बुरा कहेंगे तो बुरा होगा। कहने का अर्थ है कि वो लोग खुद को भगवान समझ कर बैठे हैं। तो ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं तो कई बार जो भोले भाले से लोग होते हैं ना, वो परेशान हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर। वो सोचते हैं कि उनके कहने से ही उनका बुरा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके कहने से आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बुरा तो तब होगा जब आप उनकी बात को सच मानकर ये सोचोगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही होगा जैसा उन्होंने कहा है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते ना, दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको कमज़ोर बना दे, कोई नहीं है। और मैं उन सभी माता पिता से कहना चाहूँगी कि सुबह उठकर जिस तरह हम अपने बाबा से दुआ करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वैसे आप भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी आशीर्वाद दिया करें, अच्छे अच्छे उनको दुआएं दिया करें, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। उसके पास पैसा तो हो लेकिन उसके अंदर इंसानियत भी बहुत होनी ज़रूरी है। और बच्चों से भी कहना है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लें सुबह उठकर, जिसको भी मानते हो उसका आशीर्वाद लें, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है तो माता पिता। क्योंकि अगर माता पिता ने आशीर्वाद दे दिया तो दुनिया की कोई चीज़ आपको कभी हरा नहीं सकती, कभी नहीं। और माता पिता का दिल दुखता है तो हम कभी जीत भी नहीं सकते, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे लिए सफलता का प्रतीक है, ठीक है। इसलिए चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे किसी और का हो, आप उसको दुआएं ही दें, ठीक है। और रही बात किसी से दुआ लेने की, तो ये मांगी नहीं जाती, ये तो इंसान खुश होकर देता है। जब आप किसी के पैर छूते हो, जब आप किसी के सामने हाथ जोड़ते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर से निकलता है कुछ, है ना। अगर तो वो दिल से निकला तब भी अच्छी बात है, नहीं निकला तब भी अच्छी बात है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अगर नॉर्मल इंसान यही कहता ना कि खुश रहो, है ना, अपनी लाइफ में तरक्की करो, तो जो लोग आपको पसंद करते हैं वो तो दिल से दुआ देंगे कि हाँ मेरा बच्चा खुश रहे, या फिर जो भी है ना। जो लोग पसंद नहीं करते ना आपको, वो अगर कह भी देंगे ना तो दिल से उनके मन में जो चलता है चलने दो, कम से कम आपको आशीर्वाद तो दिया। आप उसको अच्छे से लो, वो नहीं देते उनको मत देने दो, अच्छे से लेकर के चलते बनो अपने काम की तरफ, ठीक है। और खुद को इतना व्यस्त कर लो कि फालतू बातें सोचने के पास आपके पास टाइम ही ना हो। क्योंकि जो हम ऐसे फ्री बैठते हैं ना कई बार, तो इधर का दिमाग में चलता है, उधर का चलता है, उधर का चलता है, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझसे ऐसे बात की थी, ये सोचने का वक्त मत रखो अपने पास। सोचो कि आपको आगे क्या करना है, अभी ये काम हो गया, अब कल क्या करना है, ठीक है। ऐसे सोचोगे तो आगे बढ़ोगे, क्योंकि दुनिया जब बराबरी नहीं कर पाती तो बदनामी करने पर उतरती है, तब जलती है आपसे जब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकती, ठीक है। इसलिए अरे हमारे में है वो बात, हम कर सकते हैं सब कुछ अच्छा, और जो जलते हैं उनको जलने दो। पंजाबी में एक कहावत है कि सड़ ना रीस कर, ठीक है। तो जलने वालों को जलने दो, हमें कामयाब होना है। और लोग तो चार, जब आप कामयाब होने लगोगे ना तो दुनिया उल्टे सीधे बातें बना करके लगाएगी, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जो कामयाब होता है बातें उसी के बारे में होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, जीत आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सफलता की तरफ नहीं देखना है, सफलता खुद चल कर आएगी आपके पास जब आपकी मेहनत में दम होगा, ठीक है। ये बातें कर रही हूँ लेकिन आपको बातों को सच करना है, ठीक है। जज्बा होना चाहिए बातें करने का भी, सबसे कहाँ हो पाती हैं, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभरात्रि। सो जाइए, अच्छी अच्छी बातों को सुनकर सोया करो, ठीक है। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, देखेंगे तभी तो पूरे करेंगे ना। चलिए, ओम साई राम, गुड नाइट, कल मिलते हैं।